हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरव सर क्लासेस। इस वीडियो में हम ISS 2014 पेपर 1 से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना है कि हमें टेस्ट प्रोसीडियर डिस्क्राइब करना है फॉर टेस्टिंग equality of means of two independent normal populations when standard deviations are equal but are unknown for small samples। तो यहाँ पे सपोज़ जो है x and y they are two independent random variables where x follows normal distribution with parameters mu x and sigma x square, and y also follows normal distribution mu 1 and sigma y square। अब ये जो x and y है, x and y they are independent, यानी कि x और y they are independent of each other। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों independent population है, इनकी standard deviations are equal but unknown, यानी कि दो सिग्मा x और सिग्मा y हम इन दोनों को नहीं जानते हैं, बट सिग्मा x इज़ इक्वल्स टू सिग्मा y विच इज़ इक्वल्स टू लेट अस सपोज से सिग्मा विच इज़ अननोन। अब यहाँ पर जो हम एक जो नल हाइपोथेसिस हम टेस्टिंग करेंगे, यानी कि h नॉट वुड बी इक्वल्स टू म्यू x इज़ इक्वल्स माइनस म्यू y, दिस शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये है हमारी h नॉट दैट इज़ म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो है तीन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट टेस्ट हो सकता है। पहला है h1 को उस तरह हम h1 लिख रहे हैं, वो है म्यू एक्स माइनस म्यू वाई दिस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। दूसरा हो सकता है म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इज़ लेस दैन ज़ीरो, और तीसरा हो सकता है कि म्यू एक्स माइनस म्यू वाई दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये है तीन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसके अगेंस्ट में हमारी नल हाइपोथेसिस जो कि है म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्री असाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है। सो यहाँ पे है अल्फ़ा, सपोज़ वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा है, तो वी वुड हैव अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास आ गई हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब जो है हमें पता है कि हमारी जो सिग्मा x और सिग्मा y वो दोनों इक्वल्स टू सिग्मा है, लेकिन ये जो है हमारी अननोन है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन जो वेरिएंस है या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर वेरिएंस है वो अननोन है। बट बोथ द पॉपुलेशंस हैव सेम वेरिएंस, दैट इज़ दे आर होमोस्टोकास्टिक। सो वो ये जो दोनों पॉपुलेशन है वो है होमोस्टोकास्टिक, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो है अननोन, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर। सो वी वुड एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर बाय पूल्ड एस्टिमेटर। By pooled estimator SP square which is equals to N1 minus 1 into S1 square plus N2 minus 1 into S2 square divided by N1 plus N2 minus 2। ये जो N1 है ये है number of samples related to x, एंड N2 जो है वो है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स रिलेटेड टू y। तो ये हो गया, यानी N1 है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ऑफ x, नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ़ x आइज, और N2 है नंबर ऑफ़ y आइज। तो ये हो गया N1 और N2 है क्या। तो ये जो है हमारी पूल्ड एस्टिमेटर है जो कि है हमारी एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पर जो ये S1 स्क्वायर है और S2 स्क्वायर है वो बेसिकली सैम्पल वेरिएंसेस है विच आर गिवन बाय, सो दे आर S1 square and S2 square, they are sample variances given by S1 square is equals to 1 by N1 minus 1 into summation I runs from 1 to N1 into X Xi minus x बार का होल स्क्वायर। ये हो गया S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर जो है वो है इक्वल्स टू 1 बाई N2 माइनस 1 इंटू समेशन I रन्स फ्रॉम 1 टू N2 इंटू yi माइनस y बार स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा S2 स्क्वायर। तो फिर हमें S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की फार्मूला मिल गई है। तो यहाँ से हम जो पूल्ड एस्टिमेटर जो कि एस्टिमेट ऑफ पी निकाल सकते हैं। तो फिर हमारी अब हम बोलेंगे कि टेस्ट स्टैटिस्टिक आखिर है क्या। तो फिर जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक है यानी कि जो हमारी फिशर्स, जिसे हम फिशर्स टी स्टैटिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, वो है इक्वल्स टू x बार माइनस y बार माइनस म्यू x माइनस म्यू y डिवाइडेड बाई एस पी इंटू रूट ओवर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। तो ये है हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है एंड दिस वुड फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस वुड follow t distribution with degrees of freedom that would be equals to n1 plus n2 minus 2। तो ये जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक है t, ये फॉलो करेगी t distribution with degrees of freedom n1 plus n2 minus 2। तो फिर under H0 हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी बन जाएगी अंडर एक्स नॉट, मतलब कि जब एक्स नॉट ट्रू है यानी कि जब हमारी म्यू एक्स और म्यू आई की वैल्यू इक्वल है, तो फिर हमारी टी बन जाएगी एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस पी इंटू रूट ओवर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। ये बन गई हमारी जो है टी स्टैटिस्टिक। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा हमारा कंप्यूट टी नॉट विच वुड बी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस पी इंटू रूट ओवर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। तो ये होगा हमारा कंप्यूट टी नॉट अंडर H0 जो कि इक्वल्स टू होगा ये x बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस पी इंटू रूट ओवर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। ये हो गया। उसके बाद हमें करना है कि हमें ऑब्टेन करना है टैब्यूलेटेड वैल्यू ऑफ t। अब हमें पता है कि टी की जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो है अल्फ़ा। तो अब जो है जब हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा H1 या फिर H2, यानी कि जब हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा ये म्यू एक्स माइनस म्यू वाई दिस इज़ आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, जब ये होंगे हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो हमारा टैब्यूलेटेड टी है वो होगा टी अल्फ़ा विथ n1 प्लस n2 माइनस 2, जहाँ पे n1 प्लस n2 माइनस 2 ये जो है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जब हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होगा H3, यानी कि जो है हमारा म्यू एक्स माइनस म्यू वाई दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। उस वक्त जो हमारा टैब्यूलेटेड टी है वो होगा टी अल्फ़ा बाई टू कॉमा N1 प्लस N2 माइनस टू। तो फिर ये हो जाएगा हमारा टैब्यूलेटेड वैल्यू ऑफ टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 3 है वो है हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। वी वुड रिजेक्ट H0 एट अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ़ जो है जब हमारा ऑल्टरनेटिव होगा 1 या 2, यानी कि जब हमारा ऑल्टरनेटिव है H1 तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे व्हेन आवर टी नॉट वुड बी ग्रेटर दैन, जब हमारा टी नॉट हुआ ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा N1 प्लस N2 माइनस टू। तो जब ये ग्रेटर देन होगा तो फिर हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ वी विल नॉट रिजेक्ट H0। सिमिलरली जब हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H2, तो फिर अगर हमारा जो T0 है वो होगा लेस देन माइनस टी अल्फ़ा N1 प्लस N2 माइनस टू, उस वक्त हम हमारे H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हमारा ऑल्टरनेटिव होगा H3, तब हम अगर हमारा मोड ऑफ टी नॉट इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा बाई टू N1 प्लस N2 माइनस टू, उस वक्त हम हमारे H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारा H0 रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर हम अगर ये जो है ये तीनों अगर ये नहीं है, यानी कि जो हमारा टी नॉट है वो लेस दैन टी है, या फिर जो हमारा मोड ऑफ टी नॉट है ये लेस दैन टी अल्फ़ा बाई टू कॉमा N1 प्लस N2 बाई टू है, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ अदरवाइज H0 इज़ नॉट रिजेक्टेड। तो ये है हमारा टेस्ट फॉर comparing the equality of two means where the populations are independent but they have same variance but that variance is unknown। तो इस टेस्ट को हम फिशर्स टी टेस्ट भी कहते हैं, फिशर्स टी टेस्ट भी कहते हैं।